14 दिसंबर को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय के समीप स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 1.5 लाख रुपए निकाल कर ले जा रहे रेलवे कर्मी से हुई लूट का कैंट पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से 48,700 रुपए बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गोंडा जनपद के धानेपुर निवासी लल्लन उर्फ भुल्लन पुत्र नंदू बरवार तथा राम बहादुर पुत्र राम प्रकाश बरवार के रूप में हुई है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तगण बैंकों तथा एटीएम से पैसा निकालने वालों का पहले रैकी करते थे और मौका पाते ही झपट्टा मारकर रुपए कर लूट कर फरार हो जाते थे। उन्होंने बताया कि एक पास से लूट के रुपयों के साथ घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया, आप किनारे आ जाइए, बहुत छोटे हैं आप ना। हाँ, पड़ोसी जी बोले, बताइए नजदीक का इनके लिए क्या बोल रहे हैं। छोटा दीजिए, कहाँ पकड़ेगा? रेलवे कॉलोनी चौकी के अंतर्गत दिनांक 14 दिसंबर को कैंट थाना क्षेत्र में रेलवे कॉलोनी चौकी क्षेत्र में एक रेलवे के एम्प्लॉई हैं, वो बैंक से पैसा निकाल के जा रहे थे। दो अज्ञात लुटेरों द्वारा झपट्टा मार के उनका जो बैग था जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए रखे हुए थे उसको छीन के फरार हो गए थे। इस घटना के अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच और इंस्पेक्टर कैंट की टीमें लगी हुई थी। कल दोनों लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से एक चोरी की बाइक मिली है और इनके पास से लगभग 48,700 रुपये लूट के बरामद किए गए हैं दोनों अभियुक्तों के पास से। इनका लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास है और यह गैंग इसी तरह से बैंक से पैसा निकाल के जाने वालों के जो वल्नरेबल व्यक्ति होते हैं, जैसे सिंगल आदमी है पैदल जा रहा है या महिलाएँ हैं रिक्शे जा रही हैं या कोई साइकिल जा रहा है, तो बैंक में एक आदमी इनका घुस के रेकी करता है। एक आदमी बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखता है, ये अपने टारगेट का पीछा करते हैं, जहाँ इनको मौका मिलता है चलती हुई मोटरसाइकिल झपट्टा मार के लेके भाग जाते हैं। और इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, काफ़ी तेज गति से गाड़ी चलाते हैं और इसके बाद लूटपाट करने के बाद पैसे को शराब में, पार्टी में और जुए में खर्च भी करते हैं। इनके सब शौक है। इससे पहले इनके घटने का अंजाम दिया है, इनके काफ़ी लंबे छोटे अपराधी के इतिहास हैं। ये घूम घूम के इन्होंने गोंडा में, बस्ती में इस तरह घटनाएं किया है और ये सिद्धार्थनगर में झपट्टा मार के ही पैसा छीनते हैं। वही लोग हैं क्या और इनके साथ? इनके गैंग में और भी लोग हैं, लेकिन उस दिन जो घटना हुई उसमें दो लोग ही मौके पर, और ये फिर घूम के रखे।